ही एवरी वन वेलकम बैक टू इन्वेस्ट टू पीरिया इंडिया वर्ल्ड ऑफ वेल्थ क्रिएशन विथ शिफ गर्ल तो अभी ये जो हमारा फिनेंशियल टर्बुलेंस डिफ़िकल्ट टाइम्स चल रहा है ऐसे टाइम पे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो अलग अलग तरह की फिनेंशियल वीडियोज़ की रिक्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा प्री रिक्वेस्ट थी किन म्यूचुअल फंड्स में मैम हम इन्वेस्ट करें इस पर एक वीडियो बनाइए तो मैंने एक छोटी सी सीरीज लॉन्च करी है जिसका आज पार्ट वन है इसमें आज वाले पार्ट में मैं कवर करूंगी इंडेक्स फंड्स जिन्हें कहा जाता है पैसे फंड्स क्यों ये बेस्ट टाइम है उनमें इन्वेस्ट करने का क्या होते हैं ये पैसे फंड्स या इंडेक्स फंड्स एंड कौन से हैं बेस्ट इंडेक्स फंड्स एंड चार्ट में हम देखेंगे कितने परसेंट रिटर्न्स कितने अच्छे रिटर्न्स ये हमें दे सकता है तो ये आज हमारा पार्ट वन होगा इसके बाद आने वाले पार्ट्स में मैं आपको बताऊंगी कि क्या टॉप पिक्स आपके होने चाहिए एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में ब्लू चिप फंड्स में लार्ज कैप फंड्स में मिड कैप में स्मॉल कैप में उसके अलावा हम बात करेंगे कि अगर आप अपने बच्चों का पोर्टफोलियो डिजाइन करने के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कैसे करना चाहिए कौन से म्यूचुअल फंड्स आपको पिक करना चाहिए इन सबके अलावा इस वीक में मैं एक और वीडियो के साथ आऊँगी जिसमें मैं एक ऐसे स्क्रिप्ट का एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन आपको दूंगी जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है तो ये सारे चैनल्स के नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल से ट्यून रहिए अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कीजिए तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ जिसमें हम बात करेंगे इंडेक्स फंड्स या पैसिव फंड्स की क्या है इंडेक्स फंड या पैसे फंड सी म्यूचुअल फंड को ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया होता है एक पैसे फंड एक एक्टिव फंड एक्टिव फंड आपके वो फंड होते हैं जिसमें जो नॉर्मली आप जिनमें इन्वेस्ट करते हो जिसमें जो फंड मैनेजर है वो बहुत ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होता है पैसे फंड्स में फंड मैनेजर का रोल थोड़ा कम होता है उसका इन्वॉल्वेंस थोड़ा कम होता है तो क्यों ऐसा है क्या एग्जैक्टली exactly ये अभी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे देखिए इंडेक्स फंड वो म्यूचुअल फंड है जिसमें आप जो म्यूचुअल फंड हाउस है जो फंड मैनेजर है वो अपना इस एयूएम का इंडेक्स म्यूचुअल फंड का जो पैसा है वो जिस भी बेंचमार्क इंडेक्स का फंड है उसके हिसाब से लगाता है जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ सपोज निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट करा वो किसी भी कंपनी का हो सकता है वो निपॉन का हो सकता है वो एच का हो सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर आप निपॉन के निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो ए होगा उसका उसमें उस वो सारे जो निफ्टी फिफ्टी में शेयर्स है जो फिफ्टी शेयर्स निफ्टी फिफ्टी में लिस्टेड है वो उनमें इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्ट करने करते वक्त जो उनका एक्सपोजर रहेगा उसका परसेंटेज सेम रहेगा जो उस पर्टिकुलर शेयर का वेटेज है निफ्टी में फॉर एग्जाम्पल निफ्टी फिफ्टी में अगर रिलायंस का वेटेज टेन है और एशियन पेंट का वेटेज फाइव है तो ये जो आपका निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर है वो उस फंड का 5% इन्वेस्ट करेगा एशियन पेंट में 10% करेगा रिलायंस में तो इन शॉर्ट इंडेक्स म्यूचुअल फंड जिस भी इंडेक्स के लिए फॉर एग्जांपल निफ्टी फिफ्टी बैंकिंग निफ्टी सेंसेक्स जिस भी इंडेक्स को रेप्लीकेट कर रहा है जिस भी इंडेक्स का वो म्यूचुअल फंड है उसको वो हंड्रेड परसेंट रेप्लीकेट करता है मतलब उसमें जो स्टॉक्स लिस्टेड है वही उसके पोर्टफोलियो में होते हैं और उनका जितना परसेंटेज वेटेज होता है उस बैंच इंडेक्स में वही इस म्यूचुअल फंड में उस उतना ही परसेंटेज एक्सपोजर होता है तो मोर और लेस आपके जो रिटर्न होते हैं वो उस बैंचमार्क इंडेक्स के क्लोज ही होते हैं जो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है वो होता है ट्रैकिंग डिफरेंस जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी बैंकिंग निफ्टी में येस बैंक को हटा के बंधन बैंक में को इन्वॉल्व किया गया तो ये जो फंड मैनेजर है जो बैंकिंग निफ्टी का म्यूचुअल फंड होगा उसके फंड मैनेजर को भी ये करना है कि येस बैंक हटा के बंधन बैंक को रखना है तो वो जितने टाइम में उसने इम्प्लीमेंट करा उस हिसाब से जो रिटर्न में वेरियंस आया होगा दैट इज़ कॉल्ड द ट्रैकिंग डिफरेंस कि उसने ट्रैक करके ये इम्प्लीमेंट किया उसमें जो डिफरेंस आया दैट इज़ ट्रैकिंग डिफरेंस तो क्यों इसे पैसिव फंड कहा गया देखिए अब ऑब्वियसली जब फंड मैनेजर का इतना सारा काम बच गया उसे ट्रैक नहीं करना कि कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है किसके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं किसके बुरे आ रहे हैं किस में स्कैम चल रहा है बार बार यहाँ से फंड निकाल के वहाँ नहीं डालना उसे सिर्फ बेंच इंडेक्स को फॉलो करना है जो है सिर्फ उसे कॉपी करना है तो काम उसका बहुत कम हो गया इसलिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशो है जो इसकी फीस है वो बहुत कम होती है अगर नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशो होता है वन टू टू परसेंट तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो होता है पॉइंट टू टू पॉइंट फाइव परसेंट तो ये इसका एक सबसे बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट या एक सबसे बेस्ट फीचर है अब देखिए कुछ टाइम पहले वॉरेन बुफे जी ने कहा था कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स आर वेरी गुड म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट इन और इसकी वजह से बहुत ज्यादा इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गया था इंडेक्स म्यूचुअल फंड में लेकिन सिंस यूएस इकोनॉमी इज अ डेवलप्ड इकोनॉमी और वहां पे जो नॉर्मली जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो बेंचमार्क इंडेक्सेस को बीट नहीं कर पाते इसलिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन होता है बट इंडिया में ऐसा केस नहीं है सिंस इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी मार्केट वोलेटाइल रहता है कई बार इनफैक्ट मोस्टली जो टॉप म्यूचुअल फंड होते हैं एक्टिव फंड जैसे ब्लू चिप फंड हो गए ये इनका टारगेट होता है कि वो बेंच इंडेक्सेस को बीट करके उससे बेटर रिटर्न दें तो क्यों आज हम इंडेक्स म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं क्योंकि ये ये जो टाइम है अभी जो ये डाउनफॉल हुआ है मार्केट क्रैश हुआ है और आगे और मार्केट क्रैश होने के चांसेस है ये बेस्ट टाइम होता है इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का नॉर्मल टाइम में अगर आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपको सेवन टू एट परसेंट के रिटर्न्स मिलेंगे फाइव इयर्स का अगर हम टर्म होराइजन लेते हैं तो क्योंकि वो ग्रो करता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के साथ उसी की पेस पे तो ये उन लोगों के लिए जनरली होता है कि जिनको एफ से बेटर रिटर्न चाहिए बट बहुत ज़्यादा रिस्क जिनको नहीं लेना है लेकिन अभी के टाइम पर ये जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड है ये आपको कहीं गुना ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं और कैसे ये हम इस ग्राफ से देखते हैं देखिए आपकी स्क्रीन पे एक ग्राफ आ गया होगा ये एच इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान का ग्राफ है ये सिंस इंसेप्शन ये जो फंड जब से शुरू हुआ है तब से इसका ग्राफ है अभी आप ये देखिए कि जिसने सिंस इंसेप्शन इसमें इन्वेस्ट कर रखा है आज भी उसके पॉजिटिव 12.37 परसेंट रिटर्न है लाइफ लॉन्ग टाइम की बात हो गई अब आप देखिए 2003 में जब से ये फंड लॉन्च हुआ था उसके बाद में सिंस बुल मार्केट था मार्केट बढ़ता जा रहा था तो ये भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था उसके बाद में ये पीक पे था 2008 जनवरी में उसके बाद में सब प्राइम क्राइसिस फाइनेंशियल क्रंच आया था एंड देन मार्केट फेल एंड इसलिए ये फंड भी बहुत ज़्यादा नीचे गिरा उसके बाद में जब इसने ये अपना बॉटम टच किया डिसम्बर एट टू में उसके बाद में देखिए इसने एकदम से इतना परसेंटेज रिटर्न ये रिकवर करा विद इन अ ईयर इनफैक्ट विद इन सिक्स मंथ इसके ऑलमोस्ट जो रिटर्न थे वो डबल हो गए थे उसके बाद में ये निफ्टी की निफ्टी uh, फिफ्टी की पेज से ही ग्रो करता रहा करता रहा करता रहा एंड देन आप ये देखिए ये अपनी पीक पे था जनवरी 2020 में और फिर अभी ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया है ये एकदम ये नीचे आ गया है और इसने बॉटम टच किया है मार्च 24 2020 को उसके बाद अब ये वापस धीरे धीरे बढ़ रहा है फिर नीचे आ रहा है तो अब जैसा कि हम सब एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं कि अभी इससे ज़्यादा डाउन टाउन देख सकता है मार्केट अभी इससे ज्यादा करेक्शन आ सकता है तो दिस इज द बेस्ट टाइम क्योंकि देखिए ये मार्केट 40 परसेंट गिरा है और अभी और गिर सकता है तो इस टाइम पे आप जब ये निफ्टी फिफ्टी में पैसे लगाओगे और फिर जब मार्केट रिकवर करेगा तो ये अफकोर्स अपने ये जो बेस इसका था उतना तो रिकवर करेगा उसके बाद और ज्यादा ग्रो करेगा तो आपको इसमें कई टाइम्स रिटर्न मिल सकते हैं टू टू थ्री टाइम्स रिटर्न तो आपको जैसे ही मार्केट रिकवर स्टार्ट करना स्टार्ट करेगा वैसे ही मिल जाएंगे और उससे ज्यादा भी आपको इसमें रिटर्न्स बहुत मिल सकते हैं लेकिन हाँ इसमें जब आप इन्वेस्ट करने का डिसाइड कर रहे हैं तो आप प्लीज़ अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट फाइव ईयर्स लीजिए आपको टू ईयर्स टू पॉइंट फाइव ईयर्स जैसे ही मार्केट रिकवर करेगा आपको अपने रिटर्न दिखने लगेंगे आपको अपने रिटर्न मिल जाएंगे लेकिन अगर आप इस फाइव ईयर्स तक का होराइजन लेके चलते हैं तो ये एक सेफ रहता है कि आपको तब तक तो मार्केट रिकवर कर ही जाएगा इंडेक्स बढ़ ही जाएगा एंड आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे तो इंडेक्स है, इसका एक और बहुत अच्छा एडवांटेज ये होता है कि सिंस जो इंडेक्सेस है उसमें सारी ही कंपनीज के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जिनका सबसे ज्यादा है जो अपने अपने सेक्टर्स में लीडर्स है वही लिस्टेड होती है तो आपको डायरेक्टली उन्हीं कंपनीज का एक्सपोजर मिल रहा है हर सेक्टर का आपका एक्सपोजर मिल रहा है और हर सेक्टर की जो बेस्ट कंपनी है जो बेस्ट प्लेयर है उसका आपको एक्सपोजर मिल रहा है इसके अलावा इसका जो एक बेस्ट एडवांटेज है वो है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस व्हाट इज एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस जब भी ये इंडेक्सेस बनते हैं फॉर एग्जांपल सेंसेक्स निफ्टी फिफ्टी बैंकिंग निफ्टी तो इनमें कौन से शेयर्स लिस्ट होंगे कौन से शेयर्स लिस्ट नहीं होंगे ये कंट्री के वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े इकनॉमि डिसाइड करते हैं जो किसी भी फंड मैनेजर से कई ज़्यादा केपेबल होते हैं तो ये उनका डिसीज़न होता है उनका सिलेक्शन होता है कौन सी स्क्रिप्ट होगी लिस्ट इस इंडेक्स में और उसका कितना वेटेज होगा और जब आप उसी को रेप्लीकेट कर रहे हो तो जो वो डेफिनेटली ग्रो करेगा क्योंकि ये एक कंट्री भी चाहती है कि उसका जो मार्केट है उसके जो बेंचमार्क इंडेक्सेस है वो जल्दी रिकवर करे किसी भी डाउनटर्न के बाद वो बहुत अच्छी ग्रोथ शो करे क्योंकि इसी से फॉरेन इन्वेस्टर्स एक कंट्री की वर्ल्ड में पोजिशनिंग ये सारी चीजें डिपेंड करती है इस तरह का कोई भी डाउनफॉल आता है तो उस टाइम पे इंडेक्स फंड्स के रिकवर करने की पेस सबसे ज्यादा होती है सबसे जल्दी इंडेक्स फंड रिकवर करते हैं एंड दैट इज वाई एंड यूजर्स एंड इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी गेट वेरी गुड रिटर्न जो ये इंडेक्स फंड्स होते हैं इसमें एग्जिट लोड होता है सात दिन का मतलब आप सात दिन के अंदर अगर आपने इन्वेस्ट करो और पैसा निकाल लिया तो आपको एग्जिट लोड लगेगा उसके बाद आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा इसके बाद हम बात करते हैं टैक्सेशन की अगर आपने इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा और एक साल के पहले अपना पैसा निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंडर 15% परसेंट का टैक्स लगेगा लेकिन अगर आपने एक साल के बाद निकाला तो वन लाख ,00 तक के रिटर्न्स तो आपके एग्जम्प्टेड है उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा टेन के अराउंड आफ्टर इंडेक्सेशन एक एग्जाम्पल से समझते हैं अगर आपको एक साल से कम में फिफ्टी थाउजेंड की इनकम हुई जो आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है पांच लाख का हो बट उसमें आपको फिफ्टी थाउजेंड की आपकी इनकम हुई आपने उसी साल में उसे लिक्विडेट कर लिया तो ये फिफ्टी थाउजेंड इंडेक्स फंड के थ्रू की हम ऑफकोर्स बात कर रहे हैं तो ये फिफ्टी थाउजेंड पे आपको फिफ्टीन परसेंट यानी कि साढ़े सात हजार रुपए टैक्स लगेगा लेकिन अगर आपने एक साल के बाद निकाला और आपको फॉर एग्जाम्पल डेढ़ लाख की इनकम हुई तो वन लाख डेढ़ लाख रुपए आपने कमाए इस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से तो एक लाख तो आपके एक्समटेड हो गए जो बचे हुए फिफ्टी थाउजेंड है उस पर भी आपको टेन परसेंट का टैक्स लगेगा यानी समवेयर अराउंड फाइव थाउजेंड सो ऑब्वियसली इट इज एडवाइजेबल कि आप हमेशा एक साल के बाद ही इसमें से फंड्स अपने निकालें एंड आप जितना अगर लॉन्ग टर्म मिनिमम टू टू फाइव ईयर्स का होराइजन लेके चलेंगे तो इट्स ऑलवेज सेफ एंड गुड हम देखते हैं कि कौन से टॉप इंडेक्स फंड्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें जो पर्सनल मेरी चॉइस है जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ वो है नेपॉन इंडिया इंडेक्स फंड विच इज अ वेरी गुड परफॉर्मर इसके अलावा एच डी एफ सी इंडेक्स फंड इज अ गुड वन यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड इज गुड एस बी आई निफ्टी इंडेक्स फंड इज गुड ICICI Pru LIC. All ऑल six सिक्स पिक्स ऑफ funds are आर वेरी गुड देखिए जो मैंने आपको बताए हैं पेक्स वो सारे निफ्टी 50 इंडेक्स को रेप्लीकेट कर रहे हैं एंड माय सजेशन है इसके बजाय सेंसेक्स या बैंकिंग निफ्टी क्योंकि अगर आपने बैंकिंग निफ्टी का इंडेक्स फंड लिया या आपने फार्मा का इंडेक्स फंड लिया तो आप किसी एक सेक्टर में ही आपका सिर्फ एक्सपोजर होगा तो द बेस्ट इंडेक्स फंड टू ऑप्ट फॉर इज निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स फंड एज पर माई एनालिसिस आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा इसकी इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए इसके अलावा जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि बेसिस योर फीडबैक्स मैं ये सीरीज़ और ये वीडियोस लेके आ रही हूँ तो अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस जिसपे आपको लगता है कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो प्लीज़ उसे नीचे कॉमेंट में लिखिए थैंक यू सो मच